गुड मॉर्निंग दादे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, देवल बिछराल में आज यात्रा समापन की ओर है। आज मैं जा रहा हूं दोस्तों यहां से घर को, सुबह के 10 बज रहे हैं। यहां से हम ऊपर जा रहे हैं आमा से भेंटघाट करने के लिए। वहीं से निकलो। और देखिए, हर्षित भाई हमेशा की तरह मेरा बैग पकड़ के मुझे पहुंचाने के लिए आ रहा है दोस्तों। हर्षित लोगों के यहाँ पे टोटल 3 मकान हैं, 2 पुराने घर हैं और एक नया मकान है। ये भी हर्षित लोगों का घर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे शाम को मामी सोने के लिए आती है। जानी में नमस्कार। मैं कहाँ से आया नहीं, कहाँ जा रहा हूँ अब? जा रही हूँ नौकरी में। जा रहा हूँ? हाँ, नौकरी में जा रहा हूँ। ठीक है बाबू, नौकरी ठीक है। हाँ हाँ, घर पर मर गया तो है, नौकरी ठीक है। नौकरी ठीक है, नौकरी करने जा रहा हूँ फिर। हाँ जाओ बाबू। हाँ कुशल बात देते रहना। हाँ देते रहूँगा। आप भी अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं तो ध्यान वाले हूँ। हाँ बहू मेरी अच्छी है। अच्छी है? हाँ बहुत ही अच्छी। हाँ ध्यान रखती है। टाइम टाइम बार। अच्छा, 3 टाइम खाना देती है। हाँ। और चाय कितने टाइम देती है? चाय तो अड़ते गणते देती है, मतलब बहुत बार देती है। अच्छा, किस्मत वाले हो, आपको इतनी अच्छी बहू मिली है ना? भगवान ने दिया होगा। हाँ। पर भगवान उनने दिया होगा। देखो, ये होता है दोस्तों ग्रेटिट्यूड, ठीक है? मतलब आज का इंसान खुद से, भगवान से, माँ बाप से कितनी शिकायत करता है कि तुमने हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिलाया। ये देखिए, इसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। भगवान जी, ये देखो, हर एक चीज के लिए भगवान को थैंक यू बोलना। ऊपर वाला भगवान जी, ऊपर वाला भगवान जी। हाँ हिडनू पा बाबू, अब यो हाथ में हाथ भैया। अरे तसी धरण ना, लिफाफ धरण। हाल है तुम्हारे, इतने फंस भर के पैसे लाना। फटाफट जाओ, फिक्र नहीं करना। रात अदरा नहीं चलना। क्या क्या करना? रात अदरा नहीं चलना। अच्छा, रात अदरा नहीं चलना। दिन दिन में जाएंगे। ठीक सुबह भले रे यहाँ पे। ठीक सुबह, अगली बार उन मैं तुम्हारे लिए की लूँ हूँ। क्या लेके आऊंगा तुम्हारे लिए? जो आप तुम्हारे इच्छा है वो लाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ चल। हाँ ये बाबरे अम्मा तो खतरनाक है। बहू मुझे बहुत अच्छी मिली है। ठीक सुन मामी, हाँ नव जन्माइया, लेकिन आप कितना आला तुम्हारा मेहता हो आपको याद होगा पिछली बार जब मैं कांडा कमशियार घाटी घूमने आया था तो विदाई के समय हर्षित भाई के कंधे में एक सफ़ेद रंग का कट्टा था दोस्तों, आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो। लेकिन इस बार कोई कट्टा वट्टा नहीं है दोस्तों। हाँ क्यों, कब तक दिनन रो रो पूजाने भी हूँ यहाँ। लेकिन मामी हमारी बहुत अच्छी है। देखो, ज़्यादा लेन देन से थोड़ा प्यार बनता है, दिल में प्यार होना चाहिए। जो इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान होता है, वो अपने आप में अनमोल है। और हर्षित की मम्मी तो फिर हमारे वहाँ की है, मैं तो उनका वहीं है, तो एक वो भी अटैचमेंट है ना। तो गाइस, हर्षित लोगों के वहाँ से निकलने के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ बेरीनाथ। बेरीनाथ जो कि हमारी तहसील भी है। तो यहाँ पे अपने भाई लोगों का एक TVS का शोरूम भी है, यहीं से मैंने स्कूटी ली थी। तो अंकित भाई हमारे साथ है, ये आप देखिए। तो जब भी मेरे गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो अंकित भाई मतलब टॉप प्रायोरिटी में मतलब सही कर देते हैं ना। अभी भी कर दिया, वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी गाड़ी में, इसका मडगार्ड हिल रहा था पूरा और एक तरफ का हैंडल नहीं लग पा रहा था, लॉक हो गया था, तो अंकित भाई ने वो सही कर दिया है। यहाँ पे आपको स्कूटी बाइक जो भी चाहिए आप ले सकते हो, और मतलब एक प्रॉपर सर्विसिंग यहाँ पे आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने गाड़ी ले ली उसके बाद पूछ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरी गाड़ी लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अभी भी मतलब वही व्यवहार बना हुआ है।
बराण जी पहला बहुत बढ़िया तो ता गया कि हिंदी तेरे बाद पैर आन सब यूं खाने खाने धरा कर रहा हूँ को पूछा बैठ जाओ मैं लिखा हूँ ना मैं लिखा ले पैर आन डुगु डुगु तो बैठी रहे थे रखवाली लीजिए मैं बैठा पाया ऐसे मैं तो करूँ मैं बैठ रहा है तो लाऊँ बैठ बैठ गुड जाने तो और कह रहे यात्रा यात्रा ठीक रहे यार तू बता तैयार कौश रहो नमस्कार हाल चाल बहुत खुश लग रही हो क्या बात ओहो जुल्फे बिखरा रही हो थोड़ा सा लजा रही हो शर्मा रही हो आ तुम दिन दला मेहंदी का रखे हो घर में उठो दुनिया कहाँ पूछ गई सुना है कहूँ डिम वही जा मेरी राजकुमारी मिली राजकुमारी क्या ओ नो पुत्तु डिम्पू नमस्कार ठीक ठाक या समझ रहा ना तुम्हारा भिदेर पैर हाँ हमरा समझ नहीं भाई हमरा समझ नहीं हम तेरा नहीं भाई समझ बे नागवे जलेबी ली बेर आ रही हूँ मीना लीजिए और ब्यावा लीजिए शाग ले ली बेर आ रही हूँ दगड़ियो ये देखिए पनीर भी लेके आया हूँ सो गाइस दिन के 2:30 बजने वाले हैं और अब मैं लंच कर रहा हूँ दोस्तों मम्मी ने मैं आ रहा हूँ करके यहाँ पे कढ़ाई में ही रखा हुआ है दोस्तों भात यह आप देख सकते हैं और आज इन लोगों ने बना रखी थी झोली और कापा साथ में चटनी भी बना रखी है रायता भी बना रखा है क्या बात है यार मतलब सफर से आने के बाद ना ऐसा ही खाने को मन करता खाप लग रखी थी दोस्तों जो सफर की थकान है ना वो सब दूर हो जाएगी आंख छा हो जाएगा दोस्तों चलो फिर मैं खा लेता हूँ दोस्तों फिर तुम कहोगे गिजा गिजा के खा रहे हो आराम करूंगा उसके बाद तुम भी आराम करो बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी तब तक अपने ख्याल को स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय बाय